इससे मेरा सवाल है कि जो हमारे भाई बहन भाई लोग को फजर की नमाज में जो सुनना था 2 रकात फजर के पहले, फजर नमाज के पहले, तो जमात खड़ी हो जाती है उसके बाद भी मतलब नमाज सुन्नत खड़े हो, जैसे फजर नमाज खड़ा हो गया पढ़ते तो हैं। सुन्नत। हाँ ठीक है, तो ये सही है क्या पूछ रहे हैं आप? पढ़ना सही है या नहीं? हाँ वो पूछ रहा, देख रहा हूँ मतलब हमारे आले दिस को मस्जिद में भी दिखता, आले दिस भाई लोग भी सही सेम पढ़ते हैं, जमात खड़ी हो जाती तो भी मतलब सुन्नत पढ़ते रहते हैं, तो ये सही है क्या फजर नमाज से पहले सुन्नत देखिए, पढ़ते? अगर अगर फर्ज नमाज की जमात खड़ी हो चुकी है तो ऐसी सूरत में सुन्नत नमाज पढ़ना ये जायज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इदा उकीमत सलात फला सलात इल्ल मक्तूबा, जब नमाज कायम कर दी जाए यानी जमात खड़ी हो जाए उस वक्त फर्ज नमाज के अलावा कोई दूसरी नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो जब फजर की जमात खड़ी हो गई तो फिर सुन्नत पढ़ना ये जायज नहीं है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बिल्कुल सरी हदीस। अब अगर कोई किसी इमाम के, किसी बुजुर्ग के, किसी आलिम के कौल को लेना चाहता है इस हदीस को छोड़ करके तो क्या किया जा सकता है? वरना हदीस बहुत वाजे है कि जब फर्ज नमाज की जमात खड़ी हो गई तो अब सुन्नत नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पे एक छोटा सा मसला ये आता है कि जैसे आपने सुन्नत की इब्तिदा कर दिया, सुन्नत पढ़ना शुरू कर दिया, अभी आपने थोड़ा सा पढ़ा हुआ था जब तक जमात खड़ी हो गई, तो आप क्या करें? ऐसी सूरत में इख्तलाफ है उलमा के दरमियान। बाज उलमा ने तो कहा है कि आप किसी भी हालत में हैं फौरन सुन्नत नमाज को तर्क कर दें, वहीं पर छोड़ दें और जाकर के जमात में शामिल हो जाएं। बाज दीगर उलमा ने कहा है कि अगर आप सुन्नत पढ़ रहे हैं और एक रकात पढ़ चुके हैं, एक रकात कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरी रकात में दाखिल हो चुके हैं, तो आप तेजी के साथ उस दूसरी रकात को भी मुकम्मल करके फिर जाके जमात में शामिल हो। और यही कौल मुझे अकरब इल सवाब लगता है, यही कौल सही लगता है। इसकी वजह यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मन अदरका रकअतन मिन सलात फकद अदरक सला, अगर किसी ने नमाज में एक रकात पा लिया तो उसने नमाज पा लिया, तो चूंकि वो एक रकात पढ़ चुका है मुकम्मल, अब दूसरी रकात में दाखिल हो चुका है, तो गोया कि वो सुन्नत नमाज को मुकम्मल पा चुका है, अब जो थोड़ा सा बचा हुआ है उसको तेजी के साथ मुकम्मल कर ले। लेकिन अगर वो पहली रकात में है तो जहां पे है वहीं पे खत्म कर दे और जमात में शामिल हो जाए, और अगर अभी शुरू ही नहीं किया है तब तो किसी भी तरह से उसके लिए जायज नहीं है कि फर्ज नमाज की जमात शुरू होने के बाद वो नफिल शुरू करे। जी, ये अब्दुल सलाम जी सर, वाजह बट देखता हूँ 2-3 मिनट टाइम रहता है, लोग जाते सुन्नत नमाज पढ़ने के लिए। भाई नहीं, 2-3 मिनट रहता इसका है तो फिर हो जवाब जाती है ना 2-3 मिनट में तो नमाज आप दो आमतौर पर। रकात देखिए, 2 रकात नमाज जो सुन्नत की फजर है वो मुख्तसर नमाज होती है, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकात में सूरह काफिरून पढ़ते थे और दूसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ते थे। तो जी अगर कोई आदमी सूरह काफिरून और सूरह इखलास पढ़ करके सुन्नत नमाज पढ़ रहा है फजर की, तो जाहिर है उसको बहुत कम टाइम लगेगा, रुकू सजदा भी वो थोड़ा मुख्तसर करे ताकि जल्दी खत्म कर ले। इसी तरह से बाज सही रिवायतों में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की पहली रकात में ये आयत जी पढ़ते थे, कुलू आमन्ना बिल्लाही वमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला इला जी इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक व याकूब व अस्बात वमा उतिया नबीउना मिन रब्बिहिम ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून। ये आयत पढ़ते थे पहली रकात में, और दूसरी रकात में पढ़ते थे कुल या अहलल किताब तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नुशरिका बिल्लाहि शैया व ला यत्तखिद बअदुना बअदन अरबाबन मिन दूनिल्लाह। मैंने आयत गलत पढ़ दिया शायद से, हाँ शेख, कुल या दोनों में अहलल किताब तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदु इल्लल्लाह व ला इल्लल्लाह नुशरिका व ला बिही नुशरिका शैया बिही शैया व ला व ला शैया नुशरिका व ला बिही शैया यत्तखिज़ बअदुना व ला बअदन यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन अरबाबा मिन दूनिल्लाह। दूनिल्लाह फइन जी, तो तवल्लौ ये आयत फकुलू मुकम्मल सलमा। पढ़ते थे। तो अगर ये फजर की सुन्नत में इस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अमल किया जाए तो जाहिर है हो सकता है 2 से 2.5 मिनट में आप जो है 2 रकात पढ़ लें, थोड़ा रुकू सजदा भी मुख्तसर करें,
तो इस तरह से अगर दो तीन मिनट बाकी है, तीन मिनट बाकी है तो आप पढ़ सकते हैं।